आदाब सत श्रीकाल, कैसे आप सब। मेरा नाम है मिथिलेश सरदारा, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से मतलब अभी कुछ दिन फिलहाल जिम बंद रहेंगे, तो काफ़ी लोगों को इससे दिक्कत आ रही है। तो आज का जो ये वीडियो हमारा होने वाला है वो वर्कआउट वीडियो होने वाला है। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं बाइसेप और ट्राइसेप के लिए। तो आज का जो भी वर्कआउट होगा उसको आपको 10 से 12 रेपिटेशन के साथ 3 से 4 सेट करना होगा, और ये सारा जो एक्सरसाइज होगा वो बॉडी वेट पे होगा। इसके लिए हम कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, ना कोई हम इसके लिए मतलब जिम जाने की ज़रूरत है, आप इसको घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चे ये बोले हैं कि आप ये जो एक्सरसाइज हमें दिखा रहे हैं वो जिम में परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल घर पे इतनी जगह नहीं अवेलेबल है जिसकी वजह से मैं इसको जिम में कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इन्जॉय द वीडियो। बाइसेप के दो हेड होते हैं, एक शॉर्ट हैंड और एक लॉन्ग हेड। ट्राइसेप के तीन हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड, एक शॉर्ट हैंड और एक लेटरल हेड। ठीक है, तो इन सबको आज हम टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ट्राइसेप के लिए एक्सरसाइज करेंगे। जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी बेंच डिप्स। आप इसको कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, आपका घर पे अगर कोई सोफ़ा या बेड कहीं पे भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। देखिए, काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो या तो हाथ को थोड़ा सा वाइड ज़्यादा ले लेते हैं या फिर ज़्यादा अंदर की ओर ले लेते हैं। आपको जो आपका ये जो बम है उसके जस्ट पीछे इसको आपको लेना है। ठीक है, बॉडी आपको बिल्कुल सीधे, बच्चे क्या करते हैं ऐसे जाते हैं या फिर उससे क्या होगा कि आपका जो शोल्डर है वो इंजरी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना, आपको बिल्कुल इसके आपके जो भी बेंच होगा या फिर टेबल होगा या कुछ भी आप जिसको यूज़ करोगे उसके बिल्कुल बगल से जाओगे और इस तरीके से परफॉर्म करोगे। ठीक है, बिल्कुल धीरे ऊपर में जाकर, ऊपर में जब आप जाओगे तो ट्राइसेप को 102 सेकंड के लिए आप उसको होल्ड करोगे। ठीक है, इसको भी आपको 10 से 12 का रैप लगा के आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। इस एक्सरसाइज में आपका तीनों हेड एक्टिवेट होता है ट्राइसेप का। ट्राइसेप के लिए जो हम आज दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो होगी हमारी डायमंड पुशअप। तो अपने हाथों को आपको इस तरीके से डायमंड का शेप बनाना है, और जो आपका चेस्ट होगा वो थोड़ा आगे की ओर होगा। ठीक है, आप उसको पीछे नहीं लेके जाओगे वरना ये आपके शोल्डर पर पड़ने लगेगा जिससे शोल्डर इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसको भी आपको 10 से 12 के रेपिटेशन के साथ 3 से 4 सेट लगाने, बिल्कुल धीरे मसल को कॉन्टैक्ट करना है, फील करना है। हमारा तीसरा ट्राइसेप एक्सरसाइज होने वाला है वो होगा एलिवेटेड पाइप पुशअप, जिसको आप किसी टेबल पे परफॉर्म कर सकते हैं। आप इस तरीके का टेबल को आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपका जो पैरों का जो पोजीशन है वो बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, और आपका जो बैक का जो एरिया है वो भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। फिर आपको सर को सीधे नीचे ऊपर नीचे लेके जाना है। ये भी आपको ट्राइसेप मसल पे हिट करेगा। बिल्कुल धीरे धीरे परफॉर्म करना है, थोड़ी सी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। इसको भी आपको 10 से 12 के रेपिटेशन के साथ 3 से 4। ड्रिप्स, जिसको हम अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे। आपको जो दोनों जो हाथ है उसको थोड़े से अंदर करके आपको लेने, जो नॉर्मल आप जो पुशअप ड्रिप्स लगाते हैं ट्राइसेप के लिए वैसे नहीं लगाने, आपको थोड़ा सा अंदर जाना है। ठीक है, पहले आपको एक साइड गिरना है ये, ठीक है, फिर दूसरी साइड, थोड़ा सा कंट्रोल में करना है इसको आपको धीरे धीरे। 10-10 सेट दोनों तरफ से। ये आपके लैटरल और लॉन्ग हॉल्ड दोनों के लिए काम आएगा हमारा ट्राइसेप वर्कआउट। अब हम लगाएंगे बाइसेप वर्कआउट। बाइसेप वर्कआउट में जो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे वो होगी रिवर्स पुशअप्स। इसको आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है, दोनों जो हाथ है इसको आपको उल्टा रखना है। ठीक है, छाती आपकी थोड़ी सी आगे रहेगी, ऐसे नहीं जाना जिसकी वजह से आपको शोल्डर पर इंजरी हो सकती है। तो आपको जो बैक का पोजिशन है वो बिल्कुल कोर आपका टाइट होगा, नीचे जाना है, स्वीज करना है मसल को, फिर ऊपर आना है। इसको भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन के साथ 3 से 4 सेट
अब जो दूसरी एक्सरसाइज वो हम करेंगे बाइसेप के लिए, वो होगी हमारी चिनअप। उसको आप कहीं भी पार्क में कर सकते हो जहाँ पे आपको ये रॉड अवेलेबल हो। मैं आपको ये जिम में करके बता रहा हूँ, आप इसको बाहर घर पे भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो जहाँ पे ये आपको रॉड मिल जाए। तो इसमें जो आपका जो ग्रिप होगा ये बिल्कुल शोल्डर के बिल्कुल सीधा इस तरीके से, ज़्यादा बाहर नहीं लेना है, जिसकी वजह से आपको बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, ये सीधा जाना है, ऊपर जाके आपको होल्ड करना है, ठीक है? फिर धीरे धीरे फिर ऊपर जाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर ऊपर जाना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर वापस आना। इस तरीके से आपको, आप इसको 10 से 12 रेपिटेशन के साथ 3 से 4 सेट परफॉर्म करिए। बाइसेप के पीक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आज की जो तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे बाइसेप के लिए, वो होगी हमारी बॉडी वेट कर्ल, जिसको आप किसी भी रॉड में इस तरीके से पकड़ोगे, उल्टा पकड़ोगे इस तरीके से, उसके बाद अपनी बॉडी को पीछे लेके जाओगे, उसके बाद आपको अपनी बॉडी को अंदर की ओर लाना है, फिर बाहर की ओर जाना है। जब आप अंदर जाओगे तो मसल को स्विच करोगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट करोगे, उसके बाद वापस आपको फिर से जाना है। आप कोशिश करिएगा जब आप अंदर की ओर जाओगे तो आपका निगेटिव फोर्स भी लगना चाहिए। इसको भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन के साथ 3 से 4 सेट लगाने हैं। ये आपके बाइसेप पीक के लिए भी काम करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो आर्म्स के ऊपर। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।